नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम अप्रैल महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर के, उसे आज हम कवर करने वाले हैं, जो कि हम नहीं कर पाए थे कोविड की वजह से, सेकेंड वेव की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। तो एक वीडियो में अप्रैल महीने का पूरा कवर कर लेंगे और एक वीडियो में हम मे मंथ का भी पूरा कवर कर लेंगे, जो कि आने वाले दिनों में आपको वो भी वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके अलावा जून का भी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा उसको कंप्लीट करके हम आगे, जैसे भी हम पहले अपने शेड्यूल के हिसाब से डिस्कशन किया करते थे, वैसे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इस लेक्चर का आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगा यहां से, यानी कि टेलीग्राम चैनल से। इस लेक्चर का पीडीएफ 24 घंटे के बाद टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दिया जाता है। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, तो वहां जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। रेगुलर अपडेटेड रहना चाहते हैं करंट अफेयर से, बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं करंट अफेयर को, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए शुरू करें। सबसे पहले अप्रैल महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले उसे देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो अपॉइंटमेंट है, ये आप स्टार मार्क करके लिख सकते हो या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी तरह से मार्क करके लिख सकते हो, क्योंकि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश को अपॉइंट किया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। उनका नाम क्या है, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायमूर्ति एन वी रमण को भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया है। किनके, तो जस्टिस बोबड़े की जगह पे। ठीक है, इनको, इनका नाम याद रखिएगा। और कब ये अपॉइंट हुए, यानी कि अपना कार्यभार इन्होंने कब संभाला, तो 24 अप्रैल 2021 को इन्होंने अपना कार्यभार संभाला। जस्टिस रमन का कार्यकाल जो है कब तक चलेगा ये भी याद रखिएगा। इनका जो टेन्यूर है वो 26 अगस्त 2022 तक रहने वाला है। और अगर हम इनसे रिलेटेड कुछ बातें करें तो इनका जन्म जो है आंध्र प्रदेश को हुआ था। आंध्र प्रदेश में हुआ था कब, 1957 27 अगस्त, और 2 सितंबर 2013 को इन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली थी। और उसके बाद फरवरी 2014 से ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर कार्य कर रहे हैं। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, वो जो पहले मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हीं के रिकमेंडेशन के बाद किया जाता है, यानी कि आप कह सकते हो वरिष्ठतम के आधार पर ही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अगर वेंकट रमन के बारे में और भी डिटेल आप जानना चाहते हो तो यहाँ पर इनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, इनका पर्सनल डिटेल है, इनका प्रोफेशनल डिटेल है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसे आराम से पढ़ सकते हो, अगर एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो। नहीं तो जितने स्लाइड्स में मैंने पॉइंट्स बताए वो सफिशियंट है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम ये भी देखते हैं कि आखिर चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होता कैसे है, तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत इन्हें अपॉइंट किया जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्य न्यायाधीश के पद के मामले में देश के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश, यानी कि इनके शपथ लेने से पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे, यानी कि कौन थे, जस्टिस बोबड़े, उन्होंने रिकमेंड किया सरकार से, और सरकार के रिकमेंडेशन, यानी कि जब सरकार उसे अप्रूव कर देती है तो राष्ट्रपति द्वारा इन्हें जो है मुख्य न्यायाधीश का शपथ दिलाया जाता है, यानी कि नियुक्त किया जाता है। क्लियर है, सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है और उसका प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, और आपको पता है कि द्वितीय न्यायाधीश मामला कब आया था, 1993 में आया था। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उन्हीं को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा, यानी कि जो पहले के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो रिकमेंड करते हैं किसको, सबसे वरिष्ठतम जो वहां के न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट को, उसके बाद इन्हें नियुक्त किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों की नियुक्ति या फिर हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति किस प्रकार से किया जाता है, तो आपको पता है कॉलिजियम सिस्टम होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया जाता है। इसमें एक चीफ जस्टिस होते हैं, इसके अलावा 4 और वरिष्ठ जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कॉलिजियम बैठता है। और कॉलिजियम सिस्टम जो है रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट के पास जब रिकमेंडेशन जाता है वो अप्रूव हो जाता है, तो फिर राष्ट्रपति द्वारा अन्य जजों को शपथ दिलाया जाता है। तो कॉलिजियम सिस्टम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कि इन्हें 48 चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया, उनका कार्यकाल कब तक होगा, पूरा प्रोसेस क्या होता है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है। क्लियर,
इसे भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा या स्टार मार्क करके रखिएगा, जैसे आपको सुविधा मिले, याद करने में जितना बेहतर हो सके वो आप अपने तरीके से कर सकते हो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। तो 24वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसे अपॉइंट किया गया है, तो याद रखिएगा ये अपॉइंट किया गया है सुशील चंद्रा को। नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 24वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि मुख्य यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसे अपॉइंट किया गया है, तो सुशील चंद्रा को अपॉइंट किया गया है। क्रम कौन सा है, 24वां कौन है, इससे पहले कौन थे यानी कि किन की जगह पे इन्हें अपॉइंट किया गया है, तो सुनील अरोड़ा की जगह पे इन्हें अपॉइंट किया गया है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। भारत का निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन के बारे में भी आपको यहाँ पर डिटेल पता होना चाहिए, ब्रीफ में पता होना चाहिए, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट और वन डे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर आपसे डायनेमिक और स्टैटिक पार्ट में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपसे बनना चाहिए, क्लियर है। चलिए, भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत में संघ और राज्य चुनावी प्रक्रियाओं संचालन के लिए एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, यानी कि इसके पास में खुद से फैसले लेने के अधिकार होते हैं, यह एक स्वायत्त एजेंसी है और एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अनुसार इस कमीशन को गठित किया गया था, जिसे राष्ट्रपति मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा, 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस कमीशन का हेडक्वार्टर या फिर सचिवालय कह लें कहां स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड यानी कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा। स्टैटिक पार्ट में जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो वहां कई बार आप देखे हो कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारतीय चुनाव आयोग का हस्तक्षेप या फिर कंडक्ट जो है इलेक्शन का, कौन कौन से चुनाव का कंडक्ट करवाती है भारतीय चुनाव आयोग। तो इसमें आप याद रखिएगा, लोकसभा का चुनाव जो होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा कराया जाता है, राज्यसभा का चुनाव, राज्य में जो विधानसभाओं का चुनाव होता है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जाता है, देश में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसमें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का योगदान रहता है, यानी कि इसी के द्वारा इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है। यहां पर इस बात को अंडरलाइन करके रखिएगा कि जो भी पंचायतों और नगर पालिकाओं का इलेक्शन होता है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई भी रोल नहीं होता है। इसके लिए भारतीय संविधान में अलग से राज्यों के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है यानी कि प्रावधान किया गया है। इतनी बातों को याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक पार्ट में पॉलिटी से आपसे क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, ठीक। चलिए, तो 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में आपको याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जो कमिश्नर होते हैं इनके अपॉइंटमेंट्स और इनके टेन्यूर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर देख लेते हैं। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और इसके अलावा जो और कमिश्नर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इनका जो टेन्यूर होता है 6 साल का होता है या फिर ये 65 वर्ष के हो जाए, दोनों में से जो भी पहले हो जाए ये इनका टेन्यूर होता है। और इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर का दर्जा दिया जाता है, यानी कि अगर इन्हें हटाना है तो पार्लियामेंट में महाभियोग जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए लाया जाता है, मुख्य न्यायाधीश के लिए लाया जाता है, तो इनके लिए भी महाभियोग लाना होगा अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो। और भारतीय संविधान का जो भाग 15 है उसमें अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में चुनावों से संबंधित यानी कि चुनाव एक्ट से संबंधित, चुनावों से संबंधित सारे प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो आर्टिकल याद रखिएगा, भाग याद रखिएगा, इनका दर्जा किस प्रकार से दिया जाता है वो याद रखिएगा, टेन्यूर याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट किनके द्वारा किया जाता है ये भी याद रखिएगा। एक बात और एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां पर याद रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 3 कमिश्नर होते हैं, यानी कि 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जिसमें से एक आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 अलग से भी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो इस बात को भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लियर है। चलिए, अगला एक और अपॉइंटमेंट, इसे भी आप इंपॉर्टेंट कह सकते हो लेकिन वो दोनों से थोड़ा सा कम है। सिडबी का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है, नाम है एस रमन। इन्हें भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो बैंक कार्य करती है और इस सेक्टर को यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री के उत्थान के लिए जिस दिशा में काम किया जाता है या फाइनेंशियल या फिर आप फाइनेंशियल फंडिंग की बात कर लो तो वो
इस बैंक के द्वारा किया जाता है। इसके नए अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है जिनका नाम है एस रमन, इनके बारे में याद रखिएगा। और सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के तौर पर एस रमन की नियुक्ति जो है 3 वर्षों के लिए किया गया है, यानी कि इनका जो टेन्योर है 3 सालों का होगा। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना जो है 2 अप्रैल 1990 को की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। सिडबी जो है जैसे मैंने आपको बताया कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित वित्त पोषण विकास के साथ साथ समान गतिविधियों को चलाना और उस सेक्टर के विकास में किस प्रकार से भागीदारी निभाया जा सकता है, ये सारा कार्य जो है सिडबी के देखरेख में होता है। ठीक, चलिए याद रखिएगा। इसके बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आप अच्छे से नोट करके लिखिएगा। टॉपिक है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष यानी कि वर्ष 2021 में 12वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। सबसे पहला पंचायती राज दिवस कब मनाया गया था? तो 2010 में मनाया गया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इस वर्ष यानी कि 2021 में जो पंचायती राज दिवस मनाया गया, इस पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ किया गया है। स्वामित्व योजना क्या है इसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो जैसे मैंने बताया कि वर्ष 2010 में पहली बार पंचायती राज दिवस मनाया गया था, तब से भारत में प्रत्येक वर्ष जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज क्या है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पंचायती राज्य को अनुच्छेद 40 में जो है पंचायतों का उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में और अनुच्छेद 246 में, दोनों आर्टिकल्स को याद रखिएगा, 40 भी जिसमें पंचायतों का उल्लेख किया गया हमारे संविधान में और अनुच्छेद 246 जिसमें राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है हमारे पार्लियामेंट, यानी कि हमारा जो संसद है वो 246 के तहत राज्य सरकारों को यह अधिकार देता है कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित जैसे नगर पंचायत हो गया या फिर ग्राम पंचायत हो गया, इससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया हुआ है। स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए 73वां संविधान संशोधन लाया गया था, कब? 1992 में। इसी के तहत पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया था। 73वां संविधान संशोधन विधेयक और 74वां संशोधन विधेयक दोनों बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है और मेंस की एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, तो दोनों के बारे में आप ब्रीफ में जरूर पढ़िएगा। यहां पर ज्यादा ब्रीफ में बता नहीं सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, करंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जितना हो सके कवर करने की मैं कोशिश करता हूं, जितने एंगल से क्वेश्चन बन सकते हैं उसे मैं यहां पर कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान को यानी कि इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी और उन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया था 1992 में। ठीक, उतनी बात होगी। अब यहां पर स्वामित्व योजना के बारे में भी थोड़ा सा याद रखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया था स्वामित्व योजना 2021 को, इसके तहत जो है 24 अप्रैल 2021 को एक ई संपत्ति कार्ड प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह योजना जो है पंचायती राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभाग और राज्य राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन तकनीक द्वारा नवीनतम सर्वेक्षण विधियों के उपयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी जमीनों के सीमांकन के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है और टारगेट रखा गया है कि 2020 से 2024 तक सारा सीमांकन कर लिया जाएगा। सीमांकन का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितने कृषि योग्य भूमि है, कितने और भूमि है जो अदर्स लैंड होते हैं, इन सब का ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण करना, सीमांकन करना कि ये इतना एरिया का है, ये इतना एरिया का है, इसके लिए स्वामित्व योजना भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। 2020 से 2024 तक टारगेट रखा गया है कि सारा सीमांकन कर लिया जाए इन 4 से 5 वर्षों के अंतराल में। क्लियर, चलिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके जो डेटा है इसका इस्तेमाल आप वैल्यू एडिशन के तौर पर, अगर इसे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय मीडिया के बारे में यानी कि मीडिया से रिलेटेड अगर किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए, और आज के दौर में जिस प्रकार से मीडिया वर्क कर रही है, फिर जिस प्रकार से मीडिया का नाम बार बार सामने आता है, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इन सब का जिक्र होता ही है और आपसे बहुत चांसेस हैं कि आपके एसे राइटिंग में
मीडिया की स्वतंत्रता से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसका डेटा आप जरूर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन का काम करेगा, वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो रहता ही है। तो हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इस इंडेक्स में टोटल 180 कंट्रीज को शामिल किया गया है और इस इंडेक्स को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता के गैर लाभकारी संगठन जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी कि RSF द्वारा जारी किया जाता है। पहली बार रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स भी इसे कहते हैं और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भी इसी को कहते हैं, तो यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। और पहली बार इस एजेंसी के द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी कब किया गया था, पहली बार 2002 में। इस बात को भी याद रखिएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पहली बार कब जारी किया गया, 2002 में, इस वर्ष जारी किया गया जिसमें 180 देशों को शामिल किया गया है। इस इंडेक्स में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देखें कि कैसे कैसे देशों को रैंकिंग दिया गया है। तो इस इंडेक्स के अनुसार नॉर्वे जो है लगातार 5 वर्षों से पहले स्थान पे है। कहने का मतलब है कि प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में नॉर्वे जो है पूरे देश में सबसे बेहतर कंट्रीज है, यानी कि वहां पर प्रेस को बहुत स्वतंत्रता दिया गया है कि वह अपने हिसाब से काम कर सके, खुल के काम कर सके। दूसरे स्थान पे है फिनलैंड और तीसरे स्थान पे है डेनमार्क। इरिट्रिया इस सूचकांक में सबसे निचले स्थान पे है, यानी कि 180वां पायदान पर रखा गया है उसे। इसके अलावा चीन 177वें और नॉर्थ कोरिया 179 और तुर्कमेनिस्तान जो है 178 नंबर पे है। इस रैंकिंग में भारत को 142वें स्थान पे रखा गया है, यानी कि 2021 के इस रैंकिंग में। अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में भी भारत 142वें स्थान पर ही था, यानी कि न भारत को नुकसान हुआ न भारत में सुधार हुआ। लेकिन आप इस रैंकिंग के हिसाब से कह सकते हो कि भारत में प्रेस की स्थिति बहुत ही खराब है। 180 कंट्रीज के रैंकिंग में 142वें स्थान पर दिया गया है, यानी कि प्रेस को यहां पर एक अनुकूल वातावरण नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा यहां पर कुछ और भी वैल्यू एडिशन के लिए आप इंपॉर्टेंट डेटा को शामिल कर सकते हो। जैसे देखिए यहां पर जो दिया गया है टोटल कंट्रीज कितने शामिल किए गए हैं, टोटल कंट्रीज आप देखोगे तो यहां पर 180 देशों को शामिल किया गया है। इस 180 देशों में से 73% ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर प्रेस की स्वतंत्रता का बिल्कुल भी अनुकूल वातावरण नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट का या फिर किसी भी एजेंसीज का किसी न किसी रूप से हस्तक्षेप है जो उन्हें खुलकर कार्य करने नहीं देती। इन 180 में से 73% कंट्रीज में यही हालत है। सिर्फ 7% यानी कि 12 ऐसे देश हैं इन 180 देशों में से जहां पर अनुकूल स्थिति है प्रेस को कार्य करने के लिए, यानी कि वहां पर उसे पूरी स्वतंत्रता दिया जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इसका वैल्यू एडिशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर। भारत का पड़ोसी देशों से अगर कंपेयर करोगे तो इस सूचकांक में नेपाल को 106वां स्थान मिला है, श्रीलंका को 127वां, भूटान को 65वां और पाकिस्तान की स्थिति भारत से थोड़ी खराब है, 145वें स्थान पे है। तो इस तरह से आप इंडिया का अगर कंपेयर करो तो अपने पड़ोसी देशों से भी कंपेयर करो, चाइना से कंपेयर करो, बाकी कंट्रीज से कंपेयर करो, ओवरऑल में कौन टॉप पर है, किस प्रकार से टॉप पर है, ओवरऑल 180 कंट्रीज का जो रिपोर्ट है वो क्या कहता है, तो इसके बारे में आप बहुत सारे वैल्यू एडिशन कर सकते हो। वन डे एग्जाम के लिए भी याद रखिएगा इंडिया की रैंकिंग 142 है, किसके द्वारा जारी किया जाता है इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला जो टॉपिक है ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2021। अगर आप एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो वहां पर इस रिपोर्ट के जो डेटा है उसका बखूबी इस्तेमाल कर सकते हो, वैल्यू एडिशन का बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक, चलिए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसने हाल ही में ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स जारी किया है और इस सूचकांक में जो टॉप 10 कंट्रीज है वो यूरोपियन कंट्रीज है उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों के। ठीक है, पहले स्थान पे है इस इंडेक्स के अनुसार, ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स के अनुसार स्वीडन पहले स्थान पे है, नॉर्वे दूसरे स्थान पे है और डेनमार्क तीसरे स्थान पे है। देखिए जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं ना उसमें इन तीन कंट्रीज को टॉप पर आप मैक्सिमम टाइम पाओगे, कौन कौन सा, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कौन सा टॉप पे है, कौन सा सेकंड पे है, कौन सा थर्ड पे है, इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे इससे पहले मैंने डिस्कस किया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में, तो उसमें टॉप पर जो था
वो नॉर्वे था, लेकिन इसमें टॉप पर स्वीडन है, सेकंड में नॉर्वे है और थर्ड में डेनमार्क है। भारत इस रैंकिंग में 87th पोजीशन पे है और इस इंडेक्स में चाइना जो है 68th पोजीशन पे है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, भारत की रैंकिंग याद रखना है, चीन की रैंकिंग याद रखना है, टॉप पे कौन है इस बात को भी आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए अब यहां पर हम ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स में टोटल कितने कंट्रीज को शामिल किया गया है इस बात पर नजर डालते हैं। तो टोटल जो कंट्रीज हैं 115 कंट्रीज को शामिल किया गया है। तीन पैरामीटर्स होते हैं जिसमें देखा जाता है कि तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में पर्यावरण स्थिरता किस प्रकार से है, आर्थिक विकास किस प्रकार से हो रहा है और ऊर्जा की सुरक्षा किस प्रकार से हो रहा है। तो तीन ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स के आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि यह इंडेक्स है क्या और इस इंडेक्स को जारी क्यों किया जाता है। तो इस इंडेक्स को जारी इसलिए किया जाता है क्योंकि एनर्जी की जरूरत हर किसी को है, हर कंट्रीज को, हर स्टेट को, हर इंसान को है। तो एनर्जी का खपत जो है पर्यावरण को बचाकर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्राप्त करके, किस प्रकार से ऊर्जा का सुरक्षा वहां पर प्रदान किया जा रहा है, इन सारे पैरामीटर्स को तय करके इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निजी और सार्वजनिक सहयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। कई बार हमने इसके बारे में एनालिसिस किया, बहुत इंपॉर्टेंट इसके इंडेक्स आते हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में स्थित है। यहाँ पर टॉप कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं जो इस ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में आते हैं, जैसे स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, फ्रांस, आइसलैंड। तो इस तरह से सारे टॉप कंट्रीज का नाम आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा आपसे एक सवाल है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा और कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स जारी किए जाते हैं, तो इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। चलिए एक मैं बता देता हूं कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न भी पूछा गया है, तो ये आपका जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसके अलावा आप एक या दो और इंपॉर्टेंट कुछ इंडेक्स का नाम बताइए जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। क्लियर? चलिए अगला टॉपिक है, भारत है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश, यानी कि डिफेंस एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में भारत तीसरा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा खर्च करता है डिफेंस सेक्टर में। और ये कौन कहता है, तो सिप्री रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस सेक्टर से रिलेटेड, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड। इसका पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसी के द्वारा जारी किया गया है हाल ही में जो इसका रिपोर्ट है, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 2020 में कौन कौन से कंट्रीज ने कितना जो है खर्च डिफेंस सेक्टर में किया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड के तीन कंट्रीज जो है, जैसे अमेरिका, चीन और भारत, अकेले 62% डिफेंस एक्सपेंडिचर में इनका हिस्सा है वर्ष 2020 में। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका, चीन और भारत, ये तीनों कंट्री अकेले मिलके पूरी दुनिया का 62% यानी कि 62% जो खर्च है रक्षा क्षेत्र में वो करते हैं। 2020 में अमेरिका ने अपनी सेना पर कितना खर्च किया, 778 बिलियन अमेरिकी डॉलर। चीन ने खर्च किया $252 बिलियन, वहीं इंडिया ने खर्च किया 72.9 यानी कि 72.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये भी वैल्यू एडिशन का काम कर सकता है, इसको भी आप चाहो तो लिख सकते हो, कहीं भी अगर एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो वैल्यू एडिशन लिख सकते हो। भारत का जो टोटल सैन्य खर्च है पिछले साल के कंपैरिजन में 1% बढ़ा है, चीन का 1.9% बढ़ा है, अमेरिका का जो है 4.4% बढ़ा है। अमेरिका ने अपने टोटल जीडीपी का 7% जो है सेना पर खर्च किया है, भारत और चीन अपने जीडीपी का क्रमशः 9% और चीन जो है अपने जीडीपी का 1.7% जो है डिफेंस पे खर्च करता है, भारत 9% किया है 2020 में। क्लियर? चलिए याद रखिएगा अगला जो टॉपिक है झुरोंग, ये क्या है, तो चीन का एक मार्स रोवर है, यानी कि मंगल रोवर है जो कि मंगल की सतह पर उतरकर बहुत सारे रिसर्च करेगा। जैसे हमने एक अमेरिका के नासा का पर्सिरोस रोवर के बारे में जाना था कि वो उतरकर मंगल पर बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं, उसी प्रकार से चीन ने अपना पहला रोवर मंगल पर उतारा जिसका नाम है झुरोंग। नाम याद रखिएगा झुरोंग, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। और फरवरी 2021 में मंगल की कक्षा में पहुंचा,
मंगल की कक्षा में यानी कि पहुंच चुका था और मई 2021 में इसने मंगल के ग्रह पर लैंडिंग किया। जुरो के साथ मंगल पर स्पॉट लैंडिंग हासिल करने के लिए चीन सोवियत संघ और अमेरिका के बाद तीसरा कंट्री बन गया, यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका के बाद उसके लैंडिंग पे रोवर को उतारने वाला चीन जो है वो तीसरा देश है। साथ ही अमेरिका के बाद मंगल पर रोवर लैंड करवाने वाला दूसरा देश बन गया है, जिसे जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था और अब ये सफलतापूर्वक उतर चुका है। ये इसका इमेज है, आप देख सकती हो, ये है झुरो। याद रखिएगा, वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला टॉपिक है स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से 60 स्टारलिंक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। स्पेसएक्स क्या है? आपको पता है कि इलॉन मस्क की एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, और आप एक कह सकते हो कि पूरी दुनिया की पहली प्राइवेट सबसे सफल स्पेस कंपनी है स्पेसएक्स। इसने हाल ही में 60 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया है। कौन से रॉकेट से? तो स्पेसएक्स फाल्कन 9 60 स्टारलिंक रॉकेट क्या होता है, सैटेलाइट क्या होता है, मैं आगे आपको बताने वाला हूं। ठीक है, रॉकेट का नाम याद रखिएगा, सैटेलाइट का नाम याद रखिएगा, और इसे फ्लोरिडा स्थित कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। कंपनी ने केवल 2021 में ही 12 लॉन्च किए हैं फाल्कन से, और उन लॉन्चों में से अधिकांश स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। स्टारलिंक उपग्रह इस प्रकार से है, देखो यहां पर समझो, ये स्टारलिंक उपग्रह है, स्पेसएक्स का एक टारगेट है, यानी कि एक उसका विजन है, 12,000 से अधिक सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा और उन सारे सैटेलाइट को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा, 12,000 सैटेलाइट को, और इसे नाम दिया गया है स्टारलिंक। इसका मकसद ये है कि 12,000 सैटेलाइट को लॉन्च करके और उसे एक साथ जोड़ के पूरी दुनिया को सस्ती, किफायती और हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाए। तो अगर आपसे पूछा जाए स्पेसएक्स का स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सस्ती और हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी कंपनी का स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, इसरो का है, नासा का है, स्पेसएक्स का है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेसएक्स का है। तो इस तरह से इतने पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला जो हमारा टॉपिक है, सपोर्ट सेंटर फॉर आदित्य L1। आदित्य L1 क्या है? तो भारत का पहला सौर मिशन है आदित्य L1। अब ये सपोर्ट सेंटर क्या है? तो सपोर्ट सेंटर है, आदित्य L1 मिशन के लिए एक सपोर्ट सेंटर की आवश्यकता थी, और अब इस सपोर्ट सेंटर की जो सुविधा है वो किया गया है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशन साइंसेस द्वारा किया जाएगा, जिसकी शुरुआत जो है 2022 में की जानी है। और यह इंस्टीट्यूट जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के अंतर्गत एक जो है ऑटोनोमस बॉडी है, जो नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। अब L1 आदित्य L1 मिशन को जो है यह इंस्टीट्यूट सपोर्ट प्रदान करेगा। आदित्य L1 मिशन के बारे में यहां पर हम जान लेते हैं, यह सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला वैज्ञानिक अभियान है। आदित्य L1 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा। और उसी इसका जो सपोर्ट सेंटर है किसे प्रदान किया गया है, तो आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट के बारे में भी आप याद रखिएगा। यह एस्ट्रोसैट्स के बाद आदित्य L1 इसरो का दूसरा अंतरिक्ष अभियान खगोल विज्ञान से संबंधित है। एस्ट्रोसैट खगोल विज्ञान से संबंधित इसका पहला अभियान था, और दूसरा आदित्य L1 जिसे 2015 में शुरू किया गया था, और सूर्य मिशन से संबंधित भारत का यह पहला अभियान है। इसरो ने आदित्य L1 को 400 किलो वर्ग के उपग्रह के रूप में वर्गीकृत किया, जिसे PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल XL विन्यास से लॉन्च किया गया था 2015 में। तो आदित्य L1 के बारे में आप इतने पॉइंट्स को याद रखिएगा, क्लियर। चलिए अगला जो टॉपिक है, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, वैल्यूएशन के तौर पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। पूरी दुनिया में आपको पता है कि COVID-19 का प्रकोप चल रहा है, हर जगह पे टीके की बात हो रही है, वैक्सीनेशन की बात हो रही है, तो यहां पर भी एक टॉपिक है आपका वैक्सीनेशन से रिलेटेड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक टारगेट है, या फिर कह लो आप एक एजेंडा है, जिसका नाम है इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030, जिसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गावी एक अलायंस है वैक्सीनेशन का, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, यानी कि जिनेवा में स्थित है, और यूनिसेफ द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कि तीनों द्वारा मिलकर इससे लॉन्च किया गया है। इसे ग्लोबल स्ट्रेटेजी ऑफ लेवल नो वन बिहाइंड शीर्षक दिया गया है इसका। इसका टारगेट है वैक्सीनेशन को जीवन काल को अधिकतम करना है वैक्सीनेशन के जरिए, और इस एजेंडा के जरिए
प्रतिरक्षण सप्ताह यानी कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन के दौरान लॉन्च किया गया था। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट, इसे IA भी कहा जा रहा है शॉर्ट में। तो अगर आपसे परीक्षा में इम्यूनाइजेशन एजेंडा ना पूछ के IA 2030 के बारे में पूछा जाता है तो भी आपको पता होना चाहिए। इसका लक्ष्य है जीवन भर टीकाकरण को बढ़ावा देना। WHO के अनुसार यदि पूरी तरह से लागू किया जाता है तो IA 2030 50 मिलियन लोगों को जीवन बचाया जा सकता है इस एजेंडा के जरिए। अगर ये सक्सेसफुल लॉन्च हो जाता है तो 50 मिलियन से ज्यादा लोगों को जान बचाया जा सकता है। सिर्फ यहाँ पर COVID-19 वैक्सीन की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल जितने भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं वो सबकी बात हो रही है। इससे 75% से कम आय वाले देश और निम्न मध्यम आय वाले देशों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसका लक्ष्य क्या है IA 2030 का? तो इसका लक्ष्य है बच्चों को या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो किशोर होते हैं उनके आवश्यक वैक्सीन की 90% कवरेज प्राप्त करना है इन लोगों में। इसके अलावा IA 2030 एजेंडा का जो लक्ष्य है 2030 तक टीकों से छूटने वाले बच्चों की संख्या को आधा करना, यानी कि कहने का मतलब है जो बच्चे वैक्सीनेशन से छूट जाते हैं, जिनका वैक्सीनेशन नहीं हो पाता है, उनकी संख्या को वर्ष 2030 तक आधा किया जा सके, ऐसा IA 2030 का टारगेट है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अगला भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ये टॉपिक है और इस बार है E 2050 के बारे में। तो क्या है E 2025 के बारे में? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में 2025 तक मलेरिया उन्मूलन, मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो भी कंट्रीज हैं 25 देशों की पहचान करना है और वहां पर उसे कंट्रोल करना है, इसीलिए इसे E 2025 नाम दिया गया है। ठीक है, पहचाने गए 25 देशों में मलेरिया और COVID-19 के दोहरे खतरे का जवाब देकर काम करना है, यानी कि मलेरिया के प्रकोप को भी कम करना है। जहां पर 25 ऐसे देश जहां पर मलेरिया का प्रकोप बहुत ज्यादा है उसे कम करना है, वहां पर COVID-19 को भी कंट्रोल करना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस पहल के तहत इन देशों को तकनीकी मार्गदर्शन और विशेष सहायता प्रदान करेगा और चिन्हित किए गए देशों में 3 अफ्रीकी देश है, एक में स्वातिनी है, बोत्सवाना है और साउथ अफ्रीका है। यहां पर अभी तक 3 कंट्री को चिन्हित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा E 2025 अभी नया नहीं लॉन्च किया गया, ये पहले भी लॉन्च किया गया था E 2017 में इसे लॉन्च किया गया था जो कि 2020 तक चलाया गया था। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वन डे एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं हर किसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्कर 2021 ठीक है फरवरी में होना था लेकिन COVID-19 की वजह से ये बढ़ा और अप्रैल में ऑस्कर की घोषणा की गई। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा कौन सा नंबर था, तो 93 ऑस्कर, 93 ऑस्कर जो है हाल ही में प्रदान किया गया। इसे अकादमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वर्ष 2020 के लिए चीन की फिल्म निर्देशक क्लो झाओ ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि डायरेक्टर का पुरस्कार जीता है। तो क्लो झाओ का नाम याद रखिएगा, फिल्म निर्देशक है, चीन की है और इन्हें सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड जीतने वाली वो दूसरी महिला बन गई है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड जीतने वाली ये दूसरी महिला है पूरे ऑस्कर के इतिहास में, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्लो झाओ की फिल्म कौन सी थी? ये फिल्म का नाम था नोमैडलैंड, फिल्म का नाम याद रखिएगा और इसी फिल्म के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी पुरस्कार जीता है। तो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का याद रखिएगा, जबकि इसी फिल्म की जो मुख्य अभिनेत्री थी फ्रांसिस मैकडोरमैंड, इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड यानी कि एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। तो बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्टर का नाम आपको याद रखना है। ये ब्रिटिश अभिनेता है एंथनी हॉपकिंस, इन्हें जो है फिल्म द फादर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। तो 3 अवार्ड मिला नोमैडलैंड फिल्म जो कि क्लो झाओ की निर्देशित फिल्म है, बेस्ट फिल्म इसी को मिला, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इसी फिल्म के डायरेक्टर किसके, क्लो झाओ को मिला, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इसी फिल्म की एक्ट्रेस जिनका नाम है फ्रांसिस मैकडोरमैंड, इनको क्या मिला, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला एंथनी हॉपकिंस को, ब्रिटिश एक्टर है और इनकी फिल्म थी द फादर, इनके लिए मिला। तो इतने पॉइंट्स को आप ऑस्कर में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकादमी पुरस्कार अथवा ऑस्कर यानी कि इसे अकादमी पुरस्कार भी किया जाता है, कैलिफोर्निया स्थित अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड
साइंसेस द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार फिल्म उद्योग जगत से तमाम सेक्टर से जुड़ा हुआ है और इसकी जो शुरुआत है 1929 में किया गया था और विजेताओं को सोने की एक प्रतिमा प्रदान की जाती है जो कुछ इस प्रकार से होती है। इस प्रतिमा के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला और जो लास्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है रायसीना डायलॉग 2021 के बारे में। अप्रैल में 4 दिवसीय इस डायलॉग का आयोजन किया गया। इस डायलॉग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 14 अप्रैल को वर्चुअली एक वीडियो संदेश को द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस डायलॉग की शुरुआत की गई। 4 दिवसीय यह डायलॉग था और इस डायलॉग में उद्घाटन सत्र में रवांडा के राष्ट्रपति कागमे और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ये इसका थीम है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। हैशटैग वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक आउट ऑफ कंट्रोल, ये इसका थीम था, याद रखिएगा। और इस बार रायसीना डायलॉग जो है 4 दिन को आयोजित किया गया जैसे मैंने आपको बताया। और इस डायलॉग में भारत के विदेश मंत्री, इस डायलॉग का आयोजन जो है किसके किसके द्वारा किया जाता है इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भारत का जो विदेश मंत्रालय है यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये दो एजेंसी जो है मिलकर इसका आयोजन करती है। रायसीना डायलॉग ही क्यों इसका नाम रखा गया है, तो अगर आप देखोगे तो भारत का जो विदेश मंत्रालय है, इसके अलावा जो राष्ट्रपति है वो दिल्ली के रायसीना हिल पर स्थित है, इसलिए इसका नाम जो है रायसीना डायलॉग रखा गया है। और यह संवाद जो है सिंगापुर में आयोजित किए जाने वाले सांग्रीला संवाद, इसी के तर्ज पर किया गया है। और इसमें भारत का जो विदेश मंत्रालय है दुनिया के विभिन्न कंट्रीज के साथ में मिलकर आपस में समन्वय बढ़ाने के लिए इस डायलॉग का आयोजन करती है। इस डायलॉग को सबसे पहली बार आयोजित किया गया था वर्ष 2016 में। ठीक, चलिए इतने पॉइंट्स को आपको रायसीना डायलॉग से रिलेटेड याद रखना है। तो आज के इस एनालिसिस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मई महीने के जितने भी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसे कवर कर लेंगे। उसे भी कुछ दिनों में मैं अपलोड कर दूंगा, इसे सबसे पहले आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। और हाँ, इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा दिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार से कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, आपकी परेशानियों को सुलझाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।